एक रीसेंट कंट्रोवर्सी ने इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप में हलचल मचा दी है एक तरफ जहां इंडिया अपना पहला जी ट्वेंटी समिट होस्ट कर रहा है वहीं दूसरी ओर एक अनएक्सपेक्टेड चीज ने अपोजिशन पार्टीज का ध्यान खींचा है इस इवेंट के प्रेस्टिजियस डिनर इन्विटेशंस में द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट ऑफ भारत करके रेफर किया गया इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस छोटे से वर्ड चॉइस ने एक हीटेड डिबेट को खड़ा कर दिया है अबाउट द कंट्रीज नेम एंड इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस लेकिन इससे पहले कि हम इस कंट्रोवर्सी में और आगे जाएं, भारत के ओरिजिन और उससे जुड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स पर एक नजर देते हैं भारत शब्द की रूट्स पुरान्स और महाभारता के एशियंट टेक्स्ट से ट्रेस किए जा सकते हैं वास्तव में आदि परवा वॉल्यूम वन के इंग्लिश ट्रांसलेशन में है हम उस इतिहास को सुनने के इच्छुक हैं जिसे भारत भी कहा जाता है दैट इज वी आर डिजायर ऑफ हियरिंग दैट हिस्ट्री ऑल्सो कॉल्ड भारत इंडिपेंडेंस के बाद दोनों को ही आर्टिकल वन में इंक्लूड कर लिया बी अफ स्टेट्सिंग द इंटरचेंजेबल यूसेज ऑफ बोथ दर्मस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट के दौरान भारत और इंडिया के यूज पर कई रिग्रेस डिस्कशंस देखने को मिली है इन्हीं में से एक डिबेट सेवेंटीन सेप्टेम्बर नाइनटीन फोर्टी नाइन में हुई ठीक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साइन होने से कुछ महीने पहले एज वी नो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज साइंड ऑन जनवरी ट्वेंटी इस डिबेट में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल वन में सब क्लॉज वन में इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स एड करने का अमेंडमेंट प्रपोज किया कुछ मेंबर्स ने इस पर डिस्कशंस करने का सॉर्ट किया और अगले दिन के लिए मैटर को अर्जेंट कर दिया अगले दिन कॉन्स्टिटेंट असेंबली के एक और मेंबर एच वी कामंत ने एक अमेंडमेंट मूव की सीकिंग इंसर्शन ऑफ भारत और इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स कामत का मानना था कि इंडिया दैट इज भारत का मतलब है इंडिया दैट इज़ टू से भारत और ये थोड़ा क्लमजी था इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि अच्छा होगा अगर एक्सप्रेशन को थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनली एक्सेप्टेबल और एस्थेटिक फॉर्म में मॉडिफाई किया जाए उन्होंने 1937 में पास हुए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया ये दिखाने के लिए कि आयरिश फ्री स्टेट्स मॉडर्न वर्ल्ड के कुछ उन देशों में से हैं जिन्होंने फ्रीडम मिलने के बाद अपना नाम चेंज किया है ऐसे ही एक और मेंबर ब्रजेश्वर प्रसाद ने यूनियन ऑफ स्टेट्स के इनकॉपरेशन पर आपत्ति जताई थी और अमेंडमेंट मूव की टू इंक्लूड इंडिया दैट इज़ भारत इज वन इंटीग्रल यूनिट बट दिस सजेशन वाज ओवर उसी के थोड़ी देर बाद सेठ गोविंद दास ने प्रपोज किया भारत नोन एज इंडिया इन कंट्रीज सजेस्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे देश को भारत नाम देना हमारे ही इतिहास और कल्चर को बिफिट कर रहा है ही फर्दर स्ट्रेस्ड वी हैड द बैटल ऑफ फ्रीडम अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी बाय रेजिंग द स्लोगन ऑफ भारत माता की जय भारत नाम को सपोर्ट करते हुए सेठ गोविंद दास के इस सजेशन को कला वेंकटा राव ने दिल से वेलकम किया वहीं कमलापति त्रिपाठी ने भी भारत दैट इज इंडिया को प्रपोज किया इंस्टेड ऑफ इंडिया दैट इज भारत गोविंद बल्लभ पंत वांटेड भारत और भारत वर्ष इन प्लेस ऑफ इंडिया सिर्फ अंबेडकर के प्रपोजल को छोड़कर बाकी के सभी प्रपोजल्स या तो मना कर दिए गए या फिर विड्रॉ हो गए और इतनी डिस्कशन के बाद असेंबली ने इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स को अडॉप्ट किया ये तो था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का टेक क्या आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2020 में इस मामले में अपना योगदान दिया है जून 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक पीआईएल से डील किया था जिसमें कंट्री के ऑफिशियल नाम को इंडिया से भारत में बदलने की रिक्वेस्ट की थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बॉब्दे एंड जस्टिसिस एस बोपन्ना एंड ऋषिकेश रॉय के बेंच ने इन पिटिशंस की नीड को क्वेश्चन करते हुए सबको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी इंडिया को भारत रिकॉग्नाइज करता है मैटर को क्लोज करते हुए बेंच ने कहा था द प्रेजेंट पिटीशन इज डायरेक्टेड टू बी ट्रीटेड एज अ रिप्रेजेंटेशन एंड मे बी कंसीडर्ड बाय द एप्रोप्रिएट मिनिस्ट्रीज 2014 में भी ऐसे ही एक सिमिलर प्ली एपिक्स कोर्ट से विथड्रॉ की गई थी और ऐसी ही एक सिमिलर परमिशन टू मेक रिप्रेजेंटेशन बिफोर द अथॉरिटी वाज़ सीक्ड फॉर पिटीशनर निरंजन भतवाल ने जिसके बाद एक नोटिस के साथ अपनी प्ली की कॉपी प्राइम मिनिस्टर को भेजी थी फॉर एप्रोप्रिएट एक्शन लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने से मना कर दिया इससे नाराज भटवाल 2015 में फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने आए लेकिन इस बार उनकी डिसमिस कर दी गई। कोर्ट सेड, "वी डू नॉट सी द प्रेजेंट टू बी एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने बारन बेंच को बताया कि भारत और इंडिया ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज किए जा सकते हैं स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऑथोराइज हिंदी वर्जन के व्यू में सिंघवी हु इज ऑल्सो अ फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी लॉ एंड जस्टिस सेड बट द गवर्नमेंट कैन नॉट स्टिपुलेट दैट एवरी वन यूज ओनली वन नेम आइदर इज परमिसेबल एंड यूजेबल इंटरचेंजेबली मोर ओवर आई होप दैट द गवर्नमेंट रूमर मिल्स आर नॉट मूविंग ओवर टाइम बिकॉज दे आर टेरिफाइड ऑफ द पॉलिटिकल ग्रुपिंग कॉल्ड इंडिया दे शुड नॉट फॉरगेट फुल कलेक्टिव पॉलिटिकल इंडिया इंडिया भारत जुड़ेगा इंडिया जीतेगा 18 सितंबर से पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन कमेंस हो रहा है जिसमें यह देखने वाली बात होगी कि क्या गवर्नमेंट आर्टिकल 368 को इन्वोक करती है टू अमेंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफिशियली चेंजिंग द नेम ऑफ द कंट्री टू भारत चक्रा फॉर मोर सच न्यूज